नमस्कार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। वर्तमान समय में इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल, इनकी वजह से खैर इनका प्रयोग आजकल बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें कहीं कहीं पत्र लिखने की जरूरत पड़ती है। तो पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पत्र लेखन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत इसे इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। अब हम ये पत्र किन किन को लिख सकते हैं, देखिएगा। औपचारिक पत्र हम वैसे तो अभी ये हो गया है कि आप स्कूल नहीं आ रहे तो आपकी मम्मी ने तुरंत मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि आज मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप लंबे समय तक बीमार रहे या स्कूल में नहीं आए तो स्कूल वाले भी कहते हैं कि नहीं, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कि आपका बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आया। उस समय आपकी मम्मी या आपके पापा के द्वारा जो पत्र लिखा जाएगा वह पत्र औपचारिक पत्र कहलाएगा। औपचारिक पत्र विद्यालय के प्राचार्य, पुस्तक विक्रेता, कार्यालय में मान लीजिए कि आपको कभी कोर्ट की जरूरत पड़ी या पुलिस वालों को कोई शिकायत करनी पड़ी या आपके घर के आसपास कचरा जमा हुआ है, सड़क नहीं है, तो नगर निगम को कोई पत्र लिखना पड़ा, तो उस जगह आप जो पत्र लिखेंगे वह हमारा औपचारिक पत्र कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र, परिवार के सदस्य जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार हैं दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इन लोगों को जो पत्र लिखा जाता है वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अब इन दोनों पत्रों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इनकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए और पत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा हो। आपको कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छे से अच्छा पत्र लिखना है, मतलब आप अपनी पूरी बात भी कह दें और कम से कम जगह में, मतलब कम से कम पंक्तियों में आप उस पत्र को लिख सकें। तो अभी आपको जो पत्र मैं लिखवाऊंगा वह है हमारा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहां मैंने आपके सामने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखा हुआ है, मीन्स यहां पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। यहां मैंने सबसे ऊपर लिखा है पता। पता में आपको तीन लाइनें यूज करनी है, तीनों लाइनों में आपको अपने घर का पता लिखना है, मतलब जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है उसे अपना पता यहां पर लिखना होता है। मान लीजिए मैं अपना एड्रेस लिखता हूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, मकान नंबर 204 प्रियंका नगर कोलार रोड और नीचे आ जाएगा भोपाल। और अगर मुझे अपने एरिया का पिन याद है, पिन कोड नंबर याद है, तो मैं उस पिन कोड नंबर को भी यहां पर मेंशन कर सकता हूं। तो यहां पर कम से कम तीन लाइनों का प्रयोग करते हुए आपको अपना पता लिखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा होता है उसे अपना पता यहां पर लिखना है। इसके बाद आता है दिनांक। आप जिस तारीख को, जिस डेट को पत्र लिख रहे हैं वहां पर आपको वह तारीख लिखनी है, वह दिनांक लिखना है। इसके बाद मैंने यहां पर एक लाइन खींची है जो कि आपकी मार्जिन लाइन से कुछ इधर बाहर जा रही है, कुछ इधर अंदर आ रही है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर आपको दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ना है, इसके बीच आपको कहीं पर भी लाइन नहीं छोड़ना है, सिर्फ दिनांक के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद मैंने लिखा है संबोधन। पत्र लिखते समय आप संबोधन शब्द नहीं लिखेंगे, बल्कि यदि आप अपने उम्र से किसी बड़े व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो आप आदरणीय शब्द का यूज करेंगे, या आप अपने बराबरी वाले या अपने छोटे उम्र के व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उस जगह आप प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब आदरणीय या प्रिय दोनों में से कोई सा एक शब्द। तो यहां पर एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे आदरणीय, साथ में आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो आपके रिश्ते में क्या रखते हैं। मान लीजिए मैं अपनी माता जी को पत्र लिख रहा हूं
तो मैं यहां लिखूंगा आदरणीय माता जी, सादर नमस्कार या प्रणाम। यहां अभिवादन का मतलब हुआ कि आप उनको विश कैसे करेंगे। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं कि प्रणाम का मतलब होता है पैर छूना। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को यदि पत्र लिख रहा हूं तो आदरणीय माता जी सादर प्रणाम। इतना लिखने के बाद हम ये अलग अलग लाइनों में लिखाएंगे, एक ही लाइन में नहीं लिखना है आपको, अलग अलग लाइनों में लिखना है। अब हम जिस टॉपिक पर, जो टॉपिक दिया गया है हमें पत्र लिखने का, उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम ये शुरुआत करेंगे, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ या मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। तो आदरणीय माता जी सादर प्रणाम, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। इसके बाद जिस जो टॉपिक हमें दिया गया है उस टॉपिक पर हम लिखेंगे। मान लीजिए हम अपनी परीक्षा के बारे में लिख रहे हैं, आगे समाचार यह है कि इतनी तारीख को, मान लीजिए आपके जब भी अगस्त में एग्जाम शुरू होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इतनी तारीख को मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मान लीजिए 6 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मेरे परीक्षा जो है 6 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है और मैंने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर ली है और मैं बहुत अच्छे अंकों से पास होऊंगा या उत्तीर्ण होऊंगा, इस बात की आप जानकारी दे रहे हो। इतना लिखने के बाद अपनी पूरी बात खत्म की, और खत्म करने के बाद जहां कहीं भी आपका ये मेन पॉइंट जो है, पत्र का मुख्य विषय जो है, खत्म होने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में, यहां पर भी आपको लाइन नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। क्योंकि जो जब आप अपनी मम्मी को पत्र लिख रहे हैं, आपने उनका हालचाल पूछा, आपने एग्जाम के बारे में बताया, तो बदले में आप भी उम्मीद रखोगे कि आपको मम्मी का पत्र प्राप्त हो, इसलिए आपने यहाँ पर लिखा पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। इसको यही छोड़कर नेक्स्ट लाइन में आपका आपका शब्द लिखना, आपका जो रिलेटिव है, जैसे मैं मम्मी को पत्र लिख रहा हूँ तो मैं अपनी मम्मी का पुत्र हूँ, तो आपका पुत्र, और फिर नेक्स्ट लाइन में आप अपना नाम लिखोगे। आप अपने नाम के साथ अपने सरनेम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जनरली अपने दोस्त से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं, तो कभी भी आपको अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ नाम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका पुत्र और नीचे आपको अपना नाम लिखना है। और ये सब कुछ जो मैंने साइड से मार्जिन लाइन छोड़ी हुई है, इन लाइनों से के पास से आपको लिखना है ताकि पत्र देखने में अच्छा लगे। एक और बात, आपको पत्र लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड पर ही खत्म करना है। पहले का भी प्रारूप था कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करें और राइट में खत्म करें, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट पर ही खत्म करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पत्र समझ में आया होगा, पत्र का प्रारूप समझ में आया होगा। आप अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कोई भी एक टॉपिक दें वो आपको, और उस विषय पर आप जो है पत्र लिखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। धन्यवाद।